नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल विशेष कार्यक्रम। मोदी सरकार के गठन के बाद सबकी नजरें इस पर टिकी थी कि बिहार से जो सांसद मंत्री बने हैं उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, लेकिन अब मंत्रालय का भी बंटवारा कर दिया गया है और मंत्रियों ने कार्यभार भी संभाल लिया है और बिहार से जो मंत्री बने हैं उन्हें वो मंत्रालय मिला है जिससे बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल सकती है। हमारी इस खास पेशकश में आज हम यही जानेंगे कि नए मंत्री अगर चाहेंगे तो बिहार में क्या नहीं हो सकता है। और केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट में बिहार से 8 सांसद मंत्री बनाए गए हैं। ये 8 मंत्रालय ऐसे हैं जिससे बिहार की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदली जा सकती है और बिहार विकास की उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिसका सपना हर बिहारवासी देखता है। मोदी कैबिनेट में बिहार का दबदबा। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं चिराग पासवान। क्या बदल जाएगी बिहार की तकदीर? मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के साथ मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया और सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार भी संभाल लिया। इस बार जिन राज्यों से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं उसमें दूसरे नंबर पर आता है बिहार, जहां से गठबंधन के सहयोगियों को मिलाकर 8 सांसद मंत्री बने हैं। गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को छोड़ दें तो बाकी के 6 सांसदों को पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है और उन्हें ऐसा मंत्रालय दिया गया है जिससे बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल सकती है। देखिए, चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर मत्स्य पालन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, और ऐसे मंत्रालय भी बिहार के जो मिनिस्टर्स बने हैं उनको मिले हैं। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मिला है, तो निश्चित रूप से काफ़ी संभावना है इसमें। और जिसे एमए मिला है जीतन राम मांझी जी को, तो इस सेक्टर में खास करके हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो है ना, काफ़ी संभावना है जो स्टार्ट कर सके, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट कम लग सकता है, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ हो सकता है। किस मंत्रालय से बिहार को क्या फायदा हो सकता है, उससे पहले ये देख लीजिए कि किसे कौन सा मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्रालय, सतीश चंद्र दुबे को कोयला और खान राज्य मंत्रालय, राजभूषण निषाद को जल शक्ति राज्य मंत्रालय, जबकि रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्रालय मिला है। ये सभी मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें अगर सही से काम किया जाए तो बिहार और बिहार वासियों की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल सकती है। दुनिया में अगर भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है तो भारत में बिहार सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला राज्य है। मतलब ना तो यहाँ संभावनाओं की कमी है, ना ही वर्क फोर्स की कमी है। जो मंत्रालय बिहार के हिस्से में मिले हैं, अगर उसमें बेहतर तरीके से काम किया जाए तो यकीनन बिहार में बड़ा बदलाव आ सकता है। खासकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय NDA के घटक दलों को मिले हैं। इतने अहम मंत्रालय मिलने के साथ बिहार के लिए अच्छी बात यह है
कि बिहार में इस वक्त डबल इंजन की सरकार चल रही है और मोदी सरकार के लिए बिहार का विकास हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में अलग अलग क्षेत्र में विकास के लिए भरपूर फंड जारी किया है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और विकसित बिहार बनाने के लिए आगे बढ़कर काम भी किया है। तो जो मंत्रालय मिले हैं, तो ये जो मिले हैं, भले ही वो हाई प्रोफाइल मंत्रालय नहीं लग रहे हों, लेकिन बिहार जैसे राज्य का काफ़ी ग्रोथ इससे हो सकता है। खास करके बिहार में जैसे बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगती, फूड प्रोसेसिंग में हमारी काफ़ी संभावना है, चाहे केला मखाना हो, हमारे पास इतना मक्का होता है। तो हम एरिया वाइज स्पेसिफिक हम छोटे छोटे इंडस्ट्री प्लान कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग में। लीची है, आम है, इवन पोटैटो है, ये सबका ग्रोथ बिहार में हो सकता है। जैसे हम चिप्स की बात करते हैं, तो क्यों विदेशी बाहर का चिप्स यहाँ खाएं, बिहार में क्यों होम ग्रोन चिप्स इंडस्ट्री क्यों नहीं हो सकती है। तो यस, फूड प्रोसेसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी संभावना मुझे दिख रही है। देखा जाए तो बिहार में हर क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, चाहे खेती हो या फिर मत्स्य पालन या फिर छोटे मध्यम उद्योग या फिर फूड प्रोसेसिंग। अगर इन क्षेत्रों में सही से काम किया जाए तो बिहार भी देश के विकसित राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है। ये बिहार इसलिए इम्पोर्टेंट है केंद्र के लिए कि नॉट जस्ट कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, एनडीए की गवर्नमेंट दोनों जगह केंद्र में भी है, राज्य में भी है, बल्कि एक प्राइम मिनिस्टर का बहुत पहले से लाइन है कि ईस्ट का विकास जो है, वेस्टर्न इंडिया का विकास हुआ, ईस्टर्न इंडिया का एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नहीं आया। तो उस लाइन से बिहार का विकास जरूरी है। 10 ईयर्स में हमने देखा है कि ठीक ठाक विकास हुआ है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, रोड के सेक्टर्स में, ब्रिजेज भी काफ़ी बने हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड बने हैं। लेकिन ओनली जो लैकिंग पार्ट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, स्मॉल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो होना चाहिए था एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, वो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ काफी हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में बिहार के विकास के लिए जो काम किए गए हैं वो निश्चित तौर पर बेहद अच्छे हैं, इसका असर भी दिखता है। ऐसे में यदि बिहार के विकास की इसी गति को बरकरार रखना है या और तेज करना है, तो केंद्र सरकार ने बिहार के सांसदों को मंत्री बनाकर जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली है, उसे निष्ठा से निभाना भी होगा, क्योंकि पीएम मोदी का मूल मंत्र ही जनता के लिए विकास का काम करना है, जिस पर हर मंत्री को खरा उतरना ही होता है, और इसमें पीएम मोदी भी भरपूर सहयोग करते हैं। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पीएम मोदी ने चिराग पासवान और ललन सिंह को जो मंत्रालय दिया है वो बिहार के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को जो मंत्रालय मिला है उससे न सिर्फ बिहार में नई नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत तेजी से विकास होगा। चिराग पासवान के पास विकसित बिहार बनाने का मौका, पूरा होगा विकसित बिहार का सपना। बिहार में बढ़ सकते हैं रोजगार के अवसर। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो मंत्रालय एलजेपी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास था, वही मंत्रालय पीएम मोदी ने चिराग पासवान को दिया। अब इसे संयोग कहें या फिर पीएम मोदी की रणनीति, लेकिन बिहार के हिस्से आए इस मंत्रालय की अहमियत इतनी ज्यादा है कि अगर बिहार में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सही से काम किया गया तो बिहार की किस्मत बदल सकती है।
निश्चित रूप से चिराग पासवान को जो फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली है, एक बड़ी जिम्मेवारी है। और चिराग पासवान जिस तरह से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो उनका स्लोगन था, तो वो हमको लगता है कि वो उसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निश्चित रूप से बिहार में आम और लीची का एक बहुत बड़ा आधार है। और उसमें फूड प्रोसेसिंग जब उसका होगा, यूनिट तैयार होगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और हमको जहां तक समझ में हम देखते हैं, देख पा रहे हैं कि हाजीपुर का औद्योगिक क्षेत्र में वहां पर निश्चित रूप से चिराग पासवान की के मन में यह बात होगा, क्योंकि वह पिता की विरासत संभाल रहे हैं। तो ऐसे में हाजीपुर में वह चाहेंगे कि एक कहीं भी बिहार में भागलपुर मुजफ्फरपुर में तो लगे ही लगे, हाजीपुर में भी लगे। हाजीपुर में लगे से जो पिताजी उनको जो रेलवे का डिवीजन कार्यालय और तमाम तरह की जो बात हाजीपुर की पहचान बनाई थी वो उससे तो होगा ही होगा, और उसके साथ रोजगार भी जो मिलेगा, इसे रोजगार के अवसर मिलेंगे। चिराग पासवान के पास जो मंत्रालय है उसी मंत्रालय का जिम्मा होता है कि कैसे खाद्य पदार्थ के प्रोसेसिंग को आसान बनाया जाए। इसे और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के लीची और भागलपुर के आम की डिमांड न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में। ऊपर से हाजीपुर के केले की डिमांड पूरे बिहार में होती है, जहाँ से खुद चिराग पासवान सांसद है। चिराग पासवान पहली बार मंत्री बने हैं, ऐसे में इस युवा मंत्री के कंधे पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी कुछ करने की जिम्मेवारी है। वैसे भी चिराग पासवान बिहार के विकास को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं, ऐसे में उनके मंत्री बनने से कम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तेजी से विकास होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि चिराग पासवान के पास अवसर भी है और पावर भी, जिससे कृषि प्रधान बिहार में फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का कारखाना लगाकर लीची और आम को दुनिया भर में भेजा जा सकता है, और ऐसा करने से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और निश्चित रूप से देखिए एक बात और है फूड प्रोसेसिंग में कि फूड पार्क भी बनता है, यह हमको लगता है कम लोगों के की जानकारी होगी। फूड पार्क में भी करोड़ों का खर्च होता है और यह बड़ा पैकेजिंग होगा। यह निश्चित रूप से फूड पार्क जब होगा बनेगा बिहार में तो देखने लायक होगा और लोग देखने भी आएंगे, उसमें पर्यटन भी टूरिज्म भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, जो पूरी तरह से खेती, पशुपालन और दूध उत्पादन पर निर्भर है, और इसी से होने वाले इनकम से घर चलता है। यही वजह है कि अगर क्षेत्र में काम किया जाए तो गांव में रहने वाली बड़ी आबादी को इससे फायदा हो सकता है। बिहार के लिए अच्छी बात यह है कि इस बार मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री का जिम्मा जेडीयू सांसद ललन सिंह को दिया गया है। बिहार में बड़े पैमाने पर मत्स्य, पशुपालन और दूध उत्पादन किया जाता है। गांव में रहने वाली ज्यादातर आबादी इसी से जुड़ा काम करती है, इसीलिए इस क्षेत्र में बिहार में बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे एक बड़ी आबादी की आमदनी बढ़ेगी। बिहार में बड़े स्तर पर पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़ा काम होता है, लेकिन इसके रखरखाव के लिए ना तो कोई व्यवस्था है, ना ही उस स्तर पर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में ललन सिंह के सामने बहुत बड़ा अवसर है बिहार के ग्रामीणों के लिए कुछ करने का। इसके अलावा उनके पास पंचायती राज मंत्रालय भी है, जो इससे पहले गिरिराज सिंह के पास था। खुद पीएम मोदी कहते हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक संपन्न देश नहीं बन सकता। ऐसे में पंचायती राज मंत्री के तौर पर ललन सिंह के सामने गांव का विकास करने का भरपूर मौका है। सिंह जो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो जदयू कोटे से सहकारिता मंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से सहकारिता का काम, कोऑपरेटिव का काम वह जब होगा तो वो निचले स्तर पर भी अब उनके लिए निश्चित रूप से चुनौती है। यह एक बड़ी जिम्मेवारी सहकारिता है उनके पास, तो यह उस क्षेत्र में भी ललन सिंह, देखिए ललन सिंह प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, तो ललन सिंह कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बेहतर काम करके एक मिसाल कायम करने की दिशा में वह आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान और ललन सिंह के कंधों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने दी है, उसका लाभ निश्चित तौर पर बिहार को भी मिलेगा, और अगर इन दोनों क्षेत्रों में सही से काम हो गया तो गांव में रहने वाले एक बड़ी आबादी की न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी, बल्कि गांव के विकास का जो सपना पीएम मोदी ने देखा है उसके जरिए उनके 2047 के सपने को भी पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं।
और बिहार में जिन आठ मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें तीन बहुत ही अहम मंत्रालय हैं, कपड़ा, लघु मध्य उद्योग और गृह राज्य मंत्री। ये तीनों मंत्रालय ऐसे हैं जिसके दम पर ना सिर्फ बिहार में विकास की बयार बहाई जा सकती है बल्कि जिस पलायन का दंश बिहार बरसों से झेल रहा है उसे भी काफी हद तक रोका जा सकता है। छोटे और मध्यम उद्योग का होगा विकास, सिल्क सिटी के तौर पर फिर चमकेगा बिहार, निवेश भी बढ़ेगा और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। बिहार में ना तो विकास की संभावनाओं की कमी है न ही यहाँ प्रतिभा का कोई अभाव है। बावजूद इसके बिहार का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ से बड़े स्तर पर पलायन होता है। इसी को रोकने की जिम्मेदारी इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के सांसदों के कंधों पर रखती है, खासकर जो मंत्रालय जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को मिला है। अगर ये तीनों मंत्रालय ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तो न सिर्फ बिहार से पलायन रुक सकता है बल्कि यहाँ बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। भागलपुर का सिल्क उद्योग न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में फेमस है जिसकी बड़े स्तर पर डिमांड रहती है, लेकिन इस उद्योग की हालत आज के समय में इतनी खराब है कि छोटे छोटे बुनकरों ने तो अपना काम ही बंद कर दिया है। ऐसे में पहली बार कपड़ा मंत्रालय संभाल रहे गिरिराज सिंह के सामने भागलपुर के सिल्क उद्योग को न सिर्फ बचाने बल्कि इसे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, ताकि भागलपुर की पहचान सिल्क सिटी के तौर पर जो थी उसे एक बार फिर से स्थापित किया जा सके। बिहार में छोटे और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना और उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उचित फंड मिलना भी जरूरी है, क्योंकि छोटे उद्योग ही बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में जीतन राम मांझी, जिन्हें छोटे से मध्यम उद्योग मामलों का मंत्री बनाया गया है, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर छोटे उद्योगों को ही बढ़ावा दिया जाए तो इससे पूरे बिहार में न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि बिहार के युवा बड़े स्तर पर नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। बिहार में नौकरी के अवसर बढ़ने की पूरी संभावना है, यहाँ के युवाओं में प्रतिभा भी है और अवसर भी, लेकिन इसके बाद भी यदि बड़े स्तर पर प्रदेश में निवेश नहीं आ रहे तो उसकी एक बड़ी वजह है कानून व्यवस्था। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ और बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुए। राज्य सरकार हर क्षेत्र में विकास का काम कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर बिहार की छवि ऐसी बनाई गई है जिससे निवेशक बिहार को शक की निगाह से देखते हैं। ऐसे में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके कंधों पर मोदी सरकार ने गृह राज्य मंत्रालय का जिम्मा रख दिया है। बिहार में न तो रिसोर्सेज की कमी है न ही वर्क फोर्सेज की, बस जरूरत है बिहार की छवि को बदलने की ताकि निवेशक बिना किसी आशंका के यहाँ निवेश कर सके। यही वजह है कि इस बार बिहार के हिस्से जो भी मंत्रालय आया अगर वो सभी अपने अपने हिस्से का काम 100% करें तो बिहार से पलायन के दंश को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।